प्यारे दोस्तों, वडोदरा के हर मंदिर से माँ हरेश्वरी का नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः। एक साधक की ओर से प्रश्न आया है, मैया क्या यम और नियम से पार हुए बिना आसन किए जा सकते हैं? फिर से पढ़ती हूँ, यम और नियम के पार हुए बिना आसन किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं स्पष्ट ना बोलती हूँ। हाँ, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप यम नियम में नहीं उतरे, सत्य अहिंसा आचौर्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इसमें सब में आप उतरे नहीं हो, आपने ब्रह्म को जाना नहीं है, आपकी एक एक इंद्रिया ब्रह्म में नहीं रम रही है और संसार में भटक रही है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम ज्वाइंट कर सकते हो और कोई आर्ट सीख सकते हो, शरीर को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन आप आसन में नहीं जा सकते। पर्टिकुलर योगासन जिसे कहते हैं उसमें आप नहीं जा सकते, क्योंकि योगासन का इन सारी चीज़ों के साथ संबंध है। कुछ आसन ऐसे हैं कि अगर आपकी शक्तियाँ संसार में आप फेंकते रहते हो, संसार में आपकी रस है, आपका रस है, संसार में आपकी रुचि है, और फिर भी आप कुछ प्रकार के आसन करेंगे तो वो आसन आपके लिए नुकसान करता होगा, क्योंकि जो नियम बनाया है वो कोई पागलों ने नहीं बनाया है। हम और आप से बहुत आगे निकले हुए प्रबुद्ध ज्ञानी और योगी पुरुषों ने ये सब नियम दिए हैं अनुभव के बाद। मन में चोरी करने का भाव है और आप लगा आसन लगा कर बैठ गए, मैं गौमुखासन कर रहा हूँ, मैं सिंहासन कर रहा हूँ, मैं बकासन कर रहा हूँ, मैं मयूरासन कर रहा हूँ, मैं सिद्धासन कर रहा हूँ। आप काय के सिद्ध हो गए, मन में तो चोरी का भाव चल रहा है, तो प्लान कर रहे हो कि दुकान जाकर इसको इतने में उतार देना है, तो काय के योगी आप, नुकसान हो जाएगा, अंतर तो शुद्ध नहीं है, ढोंग बन जाएगा। शरीर को तो नुकसान होगा परंतु ढोंग बन जाएगा योगासन, और दंभ और ढोंग से बचाना बहुत जरूरी है आज के समाज को, क्योंकि दंभ और ढोंग की बोलबाला है। इसलिए आप इकट्ठा करते जाते हो, चीजें इकट्ठी करते जाते हो, एक हजार लोग जिसका यूज कर सके, इतना यूज आप अकेले कर रहे हो, इतने भोगवादी हो, और फिर आप बोले कि मैं तो पार्वती आसन कर रहा हूँ। अरे भाई, क्या अर्थ है, अर्थ क्या है ऐसे आसनों का? कोई अर्थ नहीं है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये तो दूर की चीज है, परंतु जब तक आप सत्य में प्रवेश नहीं हुआ, चलते फिरते आप झूठ बोल रहे हैं और फिर कहे मैं तो योगासन कर रहा हूँ, तो मन में झूठ की धारणा है, झूठ पर जी रहे हैं, आपके बेस में झूठ है, और कर रहे हो आप आसन और दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं तो योगी हूँ, तो ये सबसे बड़ा धोखा। और मैं तो कहती हूँ कि दुनिया को ठगना एक बार ईजी है, लेकिन खुद को जो बंदा ठगता है ना, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, सबसे ज्यादा। और बेवकूफों की भीड़ नहीं बढ़ानी है मुझे, मुझे तो वास्तव में योगी बंदे चाहिए, ऐसे युवक चाहिए, ऐसे युवतियां चाहिए कि वास्तव में जो शिव का अनुभव करे, शिवत्व का अनुभव करे, वास्तव में शक्तित्व का अनुभव करे, ऐसे युवक युवतियों की आज के समाज को जरूरत है। नहीं कि उठा पटक करे और कान पकड़े न, हाथ पकड़े न, पैर पकड़े न, उल्टे होने सीधे होने, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यम और नियम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पूछने वाले, में धन्यवाद दे रही हूँ मैं, कि यम और नियम, पवित्रता नहीं है और आसन कर रहे हो, मन में तो मैल भरा है, और बाहर से योगासन, योग का तो अर्थ है चित्तवृत्तियों का नियंत्रित हो जाना, एक भी चित्तवृत्तियां नियंत्रित तो हुई नहीं है, मन कहीं और भाग रहा है, आँख कहीं और भाग रही है, कान कहीं और भाग रहा है, बुद्धि कहीं और भाग रही है, और दिखावा कर रहे हो कि मैं योगी हूँ, मैं आसन कर रहा हूँ, नहीं। तो समाज को ढोंग में नहीं ले जाना है, समाज को जगाना है, मेरा काम है आपको जगाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दोस्तों, योग शास्त्र भी कहता है, मेरे पूर्व के जितने मनीषी हो गए वे सब कहते कि यम और नियम के बिना आसन का अधिकार नहीं है, लेकिन आज तो पैसे जहाँ मिलता है वो करो, तो आज यम और नियम कोई सिखा नहीं रहा है, किसी को बोध नहीं है, सीखने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर सत्य बोलना, कदम कदम पर इंद्रियों को देखते रहना कि कहाँ अनियंत्रित हो गई,
कदम कदम पर सोचना कि मेरा अंतःकरण में कहीं अशुद्धि तो नहीं आई, कदम कदम पर सोचना कि ज्यादा एक्यूमुलेट तो नहीं कर रहा हूं मैं चीजें जिंदगी में जरूरत से ज्यादा, तो हाँ, तो ये सारी मैं तो कहती हूँ यम और नियम सीख लिया तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी फिजिकल फिटनेस के लिए एक अंग बताया ऋषि ने, जो योग के पतंजलि ऋषि ने, जो 5000 वर्ष पहले हो गए, आज की बात नहीं कर रही हूँ, 5000 वर्ष पहले जो उसने बताया, तो उसका हेतु ये था कि बंदा लंबा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, आत्मकल्याण भी करे और विश्व कल्याण भी करे। इसलिए यम नियम फिर आसन, यम और नियम के बिना आसन का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो पहले शास्त्र में आसन लेते और यम नियम को अंत में लेते, लेकिन शुरुआत ही यम नियम से की है। बेस पक्का होगा तो इमारत को कुछ नहीं होगा, बेस ढंग का नहीं होगा तो देखने में कितनी भी सुंदर लगे लेकिन बंदा कब ढह जाए, कब रपट जाए, कुछ कोई कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।